नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, जो आपका टायर टू का एग्ज़ाम था जो कि पहले 17 नवंबर को फिक्स था, उसकी डेट में परिवर्तन किया गया है। देखिए, नई डेट आपकी क्या एग्ज़ाम की आई है, आयोग ने अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिससे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। नई एग्ज़ाम की आपकी डेट आ चुकी है, तो आइए जाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है आपकी नई एग्ज़ाम की डेट है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर डेली आपको करंट अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। देखिए, आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ, ये आपकी नोटिफिकेशन है। एसएससी ने अभी जस्ट हाल फिलहाल ये 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, लेकिन जो अपलोड किया है वो 24 तारीख को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। इंपॉर्टेंट नोटिस आपके आइए एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की 2000 जो पेपर टू की लिख रहे हैं कि द एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर सेकेंड 2019 विच वॉज अर्लियर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 17 नवंबर, जो कि 17 नवंबर को पहले शेड्यूल था, हैव बीन पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन कर दिया गया यानी आगे बढ़ा दिया गया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ प्रशासकीय कारणों की वजह से उसको आगे बढ़ा दिया गया है, एंड वुड नाउ बी कंडक्टेड ऑन 24 नवंबर, यानी वो 17 से लेके 24 तारीख उसको कर दिया गया, यानी कुल मिला के 7 दिन आपकी वो आगे पोस्टपोन कर दिए, 1 वीक एग्जैक्टली आगे बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट आपको बताया गया कि एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न रीजन ऑब्लिक सब रीजन ऑफिस इन ड्यू कोर्स, ठीक है, कि जो आपके एडमिशन सर्टिफिकेट्स उसके होंगे वो आपकी रीजनल वेबसाइट्स के ऊपर और सब रीजनल ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर बाद में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बस एक ये आप ध्यान रखिए कि आपकी 1 वीक डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है, और उसके पीछे उन्होंने कोई रीज़न उन्होंने अपना नहीं बताया है, उनका कहना है कि इसके पीछे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, ठीक है। तो आइए कुछ इसमें जान लेते हैं कुछ ब्रीफ में दोबारा, कि जो आपकी प्री डेट थी पहले 17 नवंबर थी, आपको मेंटली रूप से तैयार कर रखा था आपने 17 नवंबर के लिए, लेकिन अभी वो डेट आपकी पोस्टपोन हो चुकी है, वो 24 नवंबर हो चुकी है। नेक्स्ट उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और उन्होंने जो बताई, जो रीज़न है वो क्लियर नहीं किया उन्होंने, उनका कहना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रशासकीय कारणों की वजह से उन्होंने इस चीज़ को आगे पोस्टपोन कर दिया है। देर आफ्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिजल्ट फॉर टायर वन है, जो टायर वन का रिजल्ट आपका कल आना है, यानी आज 24 तारीख है, कल आपका 25 तारीख है, कल आपका रिजल्ट का जो आना है वो फिक्स है, अभी तक उसकी डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेटर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेट आप जो रिजल्ट आपका 25th अक्टूबर को ही आएगा, अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग डेफिनेटली आपको इन्फो कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, ठीक है, गूगल फॉर्म एक सर्वे के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, उसमें मेरे कहने का मकसद ये है कि उसको इसलिए मैंने बनाया कि जो आपका जैसे अभी टायर वन का रिजल्ट निकलेगा तो टायर वन में आपके टोटल मिला के जितनी वैकेंसीज यानी 10,000 प्लस तकरीबन वैकेंसीज हैं, तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा टायर टू के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आप सभी को पता है कि टायर टू का जो एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, या वो मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा फिर क्यों 15 गुना लोगों को एसएससी ले रही है। तो उसके लिए क्या है कि आप हम एक सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद में एग्जैक्ट हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाएंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है। अभी तक आपको कट ऑफ जो बताई गई थी इस चैनल के ऊपर वो आपकी टायर वन के लिए जो कट ऑफ थी वो टायर टू के लिए, मतलब वो 1.5 लाख लोगों के लिए कट ऑफ थी कि भाई इतने अगर आप नंबर ले आओगे तो जो आप टायर टू देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपके कितने नंबर होने चाहिए जो फाइनल सिलेक्शन आपका उसमें होगा, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमने एक सर्वे बनाया। तो सर्वे को कैसे फॉर्म फिल करेंगे उसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो आगे आपको बना दूंगा, बता दूंगा कि इस प्रकार से जिस किसी व्यक्ति को परेशानी या तकलीफ हो कैसे फिल करेंगे, उसमें आप अपना सारा डिटेल भर सकते हैं, आप अपना नाम डालेंगे उसमें अंदर, आपका एज ग्रुप आप डालेंगे, कौन सी कैटेगरी से हैं, कितने आपके मार्क्स हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो उससे आप सभी लोग को बाद में वो जो डाटा है वो सार्वजनिक मैं कर दूंगा उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। प्लीज़ सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए कि मेरा सिलेक्शन फाइनल में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अपडेट आपको की है, बाकी ये जो टायर टू का आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है प्लीज़, तो एक हफ्ता आपको और समय मिल गया तो और बेटर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अभी तक कोई जो जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट होगा तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको नेक्स्ट अपडेट वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।